अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और ये जनरल हैं इसमें कोई पाकिस्तान के कॉन्टेक्सट में बात नहीं हो रही एक जनरली दिज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक तो चीज़ जिसका थोड़ी सी इसमें दोबारा से री एनफोर्स इस आइडिया को करेंगे कि फ्यूजन ऑफ पावर है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं वो कैबिनेट जो कि एग्जीक्यूटिव होता है उसके भी मेंबर्स हैं सो एक तो ये फ्यूजन है यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो फ्यूज है वो कंबाइंड है, है। इसमें दूसरी चीज जो है प्राइम मिनिस्टर जो है जो अगेन पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर हीटर ही इज बिन इलेक्टेड बाय पीपल लेकिन वो इलेक्टेड बाय पीपल एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ उसको एक ऑर्डनरी एम एन ए कह लें या एम पी ए के तौर पे इलेक्ट किया गया है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कह रहे हैं वो तो उस वो लेकिन वो उसको इलेक्ट किया जाता है लेजस्लेचर करते हैं और उसके बाद वो अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो अपने मिनिस्टर्स को चूज करता है ख़ुद चूज किस किस को कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी तो लेजस्लेचर्स लेजिलेटर भी हैं और वो एग्जीक्यूटिव भी हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है, वो हैं, right? हैं वो जवाब दे हैं पार्लियामेंट को राइट यानी हैं वो एग्जेकटिव लेकिन जवाब दे वो हैं पार्लियामेंट को यानी लेजिस्लेचर को जवाब दे हैं। ये एक जो इसके फ्यूजन है या इसको यूं कह लें कि ग्लूटनेट ग्लूड काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप है ये ग्लूड रिलेशनशिप है बिटवीन दी एग्जेकटिव एंड लेजिस्लेटिव कानून बनाते भी हैं और कानून को इम्प्लीमेंट भी करते हैं सो एज़ ए मेंबर ऑफ लेजिचर दे आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग लॉ ऑफ द कंट्री यानी कानून बनाते भी हैं वो और इसके अलावा जो उनकी जिम्मेदारी है वो कानून को इम्प्लीमेंट भी करते हैं क्योंकि वो एग्जेकटिव हैं और इसके अलावा वो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसी को एंड प्रोवाइड सर्विसज टू द पीपल तो ये इसमें जो एक इसको इस पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दी जा सकती कि ये सही है या गलत है लेकिन इसका एक एनालिसिस किया जा सकता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ़ पावर को स्ट्रेस तो किया जाता है लेकिन इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि इसमें सेपरेशन ऑफ़ पावर को उस तरह से इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता कि जैसे थियोरी में उसको अलहदा रखना चाहिए क्योंकि थियोरी कहती है कि अगर पावर सेपरेट हैं तो फिर इनके अलेक्ट करने का या सिलेक्ट करने का तरीका तीनों ब्रांचेस का मुख्तलिफ होना चाहिए और इनकी जो आ, क्राइटीरिया है इनको आ, क्या कहना चाहिए इनके आउटपुट की मेजरमेंट का वो मुख्तलिफ होना चाहिए तो आउटपुट मेजर किससे करते हैं सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से इसमें जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्यूजन ऑफ पावर ऑफ Legislature and Executive.